हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा चैनल में। आज अभी हम लोग निकल चुके हैं पुरुलिया ट्रिप के लिए। हम लोगों को ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर राइड करना है। हम लोगों का जो कोलकाता में, हम लोग बेहाला में रहते हैं, तो वहाँ से पुरुलिया अयोध्या हिल्स जो है ये लगभग 300 किलोमीटर है। एंड अभी जो है रात के 2:10-15 हो रहे हैं। हम लोगों ने ये 2 से 2:30 बजे का बीच का टाइम स्लॉट चूज़ किया है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक में हम लोगों को फंसना ना पड़े, एंड जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम लोग हाईवे रीच कर पाएंगे। तो इस हिसाब से हम लोग जो है ये नाइट का टाइम चूज़ किया है। एंड आप लोग भी अगर पुरुलिया राइड करना चाहते हैं, एंड कोई भी कहीं भी राइड करना चाहते हैं, गर्मी का टाइम होगा या फिर उतना ज़्यादा ठंड नहीं होगा, तो उस हिसाब से मैं यही सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों रात का टाइम चूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो रोड का ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होगा, एंड कम से कम आपको ट्रैफिक मिलेगा रोड पे, एंड जल्द से जल्द आप लोग हाईवे रीच कर पाइएगा। तो उस हिसाब से नाइट का जो टाइम है वो बेस्ट है आप लोगों को। और 1 बजे के बाद निकलिएगा तो ट्रैक्स मतलब जो ट्रक्स वगैरह जो है, कॉमर्शियल व्हीकल्स है, ये सब के अलावा आपको प्राइवेट व्हीकल्स उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो उस हिसाब से नाइट राइड जो है ये काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत टाइम जो है कम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग उतना ज़्यादा नहीं होता है, डे टाइम में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। तो अभी हम लोग जो है ऑलमोस्ट घर से 15-20 किलोमीटर आ चुके हैं, एंड अभी हम लोग हाईवे की तरफ ही जाएंगे। मुश्किल से हम लोगों को 40 मिनट या फिर कुछ 50 मिनट मतलब 1 घंटे के अंदर मैक्सिमम हम लोग हाईवे पहुँच जाएंगे दोस्तों। एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है राइड करने में, क्योंकि रात का टाइम है, रोड उतना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक या फिर कंजेशन नहीं है रोड में। एंड अभी देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, सुबह हो गया, हम लोग रात भर राइड कर चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट हम लोग 200 किलोमीटर के आसपास आ चुके हैं। एंड जो रोड है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पुरुलिया जाने का रोड आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिलेगा, कोई प्रॉब्लम उतना नहीं होने वाला है। एंड रोड में आप लोगों को बहुत सारा अच्छा खासा व्यू भी मिल जाएगा, तो बोर होने का बात नहीं है। एंड देख सकते हैं आप लोग की रोड कितना ज़्यादा क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एकदम अर्ली मॉर्निंग है, ऑलमोस्ट 6:30-7 बज रहा है अभी। आप लोग देख सकते हैं कि रोड कितना खाली है, नहीं है अभी भी उतना ज़्यादा प्राइवेट व्हीकल्स नहीं है। तो सुबह हो गया है, हम लोग आराम से निकल गए, एंड बीच में हम लोग थोड़ा बहुत रुके थे, खाना वाना खाए, उसके बाद हम लोग फिर से राइड करने लगे। तो और जो है हम लोगों को बस 100-110 किलोमीटर के आसपास राइड करना है, हम लोग पुरुलिया जो है अयोध्या हिल्स पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो रोड जो है काफ़ी क्लीन मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला आप लोगों को, खाने का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हर बहुत सारा ऐसा जगह मिलेगा बीच में आप लोगों को, जहाँ पर आप लोग कुछ भी टिफिन कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हाईवे में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, हाईवे में कोई भी इशू होगा, कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो आपको आराम से मिल जाएगा। खाने का बंदोबस्त पूरा आपको हाईवे में भर भर के मिलेगा कोलकाता तो पुरुलिया जाने में। एंड बाइक में भी कोई इशू हो तो आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है दोस्तों। कुछ किलोमीटर छोड़ छोड़ के ही आपको जो भी सपोर्ट चाहिए सब कुछ मिलने वाला है। तो राइड में आराम से निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है, चाहे रात हो या दिन हो, आराम से आपको सब कुछ सर्विस जो है इस रोड पर पूरा का पूरा आपको मिलता रहेगा। एंड जो है आगे हम लोग जो पुरुलिया है वहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा देर बाकी नहीं है, ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर्स बाकी है दोस्तों। वहाँ पे अयोध्या हिल्स पहुँचते ही जो भी मैं आपको एक्सपीरियंस मेरा होगा वो मैं शेयर करूँगा, एंड कुछ भी डिटेल जो जितना शेयर करने लायक होगा सब मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा दोस्तों। एंड कोई भी क्वेरी होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड हम लोग जो है, मज़े का बात यह है कि हम लोग जो है होटल में रुकने वाले नहीं है दोस्तों, हम लोग जो है वो अयोध्या हिल्स का एकदम नीचे अच्छा खासा रेटिंग वाला टेंट है, जहाँ पे आपको होटल का तरह एकदम एग्जैक्ट सर्विस मिलेगा, खाने पीने का सब कुछ मिलने वाला है। तो उस हिसाब से हम लोग जो है वहीं पे स्टे करने वाले हैं, एंड आगे चल के आप लोगों को बताएं कि दोस्तों वहाँ पे जो है एक्सपीरियंस कैसा है हम लोगों का, एंड सर्विस जो है कैसा मिला, एंड जो उन लोगों का डिटेल है वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। किसी को चाहिए होगा तो जा सकते हैं, आराम से आप लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। एंड बिना लेट किए दोस्तों यहीं पे बाय बाय करता हूँ वीडियो में, एंड आगे आप लोग वीडियो एंजॉय करते रहिए म्यूज़िक के साथ। एंड जो है मैं आप लोगों को पुरुलिया पहुँचने के बाद जो भी डिटेल शेयर करना होगा, वहाँ पे जो है अयोध्या हिल्स में स्पॉट कितना है, विजिट करने लायक कितना सारा वाटरफॉल्स है वगैरह वगैरह, सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर कर दूँगा दोस्तों। तो बाय बाय, वीडियो एंजॉय करते रहिए, एंड कोई भी क्वेरी होगा तो डेफिनेटली आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा ज़रूर दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बाय।